नमस्कार, शर्मा जी एजुकेशन में आपका स्वागत है। जनरल फिजिक्स के इस कोर्स में हम ग्रेविटेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पर आधारित एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमने कुछ एमसीक्यूज को कवर किया था पिछले दो भागों में, इसके ये इसका तीसरा भाग है। तो यहाँ पर भी हम कुछ एमसीक्यूज को देखेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो दिस इज प्रेजेंटेड बाई मी अनुग्रह शर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, द लीस्ट वैल्यू ऑफ अपेरेंट वेट ऑफ ए बॉडी इन अ फ्लूड इज। तो किसी भी एक फ्लूड में बॉडी की जो लीस्ट वैल्यू हो सकती है वजन की, उसके वेट की जो लीस्ट वैल्यू हो सकती है वो कितनी हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं, ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो, लेस देन जीरो, या फिर डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड फ्लूड। तो किसी भी अगर फ्लूड में ऑब्जेक्ट को डाला जाता है तो उस पर जो उसके कारण वेट लगता है, एक तो लगता है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर डाउनवर्ड, और एक लगता है उस पर अपथ्रस्ट ऊपर की ओर, जिसकी इन दोनों की डायरेक्शन जो होती है वो क्या होती है, अपोजिट होती है। तो अपोजिट डायरेक्शन अगर है तो इनका जो रिजल्टेंट वैल्यू अगर हम देखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है वो अपथ्रस्ट की, वो उस ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल हो सकती है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर दोनों अगर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, इक्वल हैं और दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो जो इसकी लीस्ट वैल्यू है वो कितनी मिलेगी, हमें जीरो मिलेगी, ना ही ग्रेटर देन जीरो और ना ही लेस देन जीरो। तो यहां पर हमें कितनी वैल्यू मिलेगी, इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है, इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट है, ए हैवी सिलेंडर ऑफ ए लेंथ वन इज स्लोली टेकन आउट ऑफ अ डेंस लिक्विड, द वेट फेल्ट एज इट इज टेकन आउट ऑफ द लिक्विड। तो कोई भी एकांक लंबाई का एक सिलेंडर दिया गया है, यहां पर उसकी बात की गई है, तो अगर उसे किसी भी डेंस लिक्विड में से स्लोली बाहर की ओर निकाला जाता है, द वेट फेल्ट एज इट इज टेकन आउट द लिक्विड, तो आप जो है उसके वजन को बाहर निकालते समय कितना महसूस करेंगे। तो यह पूछा गया है क्वेश्चन में। तो ऑप्शंस इसमें क्या क्या बोल रखे हैं, विल रिमेन द सेम, इंक्रीज एज इट कम्स आउट, डिक्रीजेज एज इट कम्स आउट, इंक्रीजेज टिल इट अटेन्स द वेट इन एयर। तो अब देखिए क्या है, पहले में कह रखा है कि जो वेट है वो बिल्कुल बराबर रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम रहेगा। दूसरे में कहा गया है कि इंक्रीजेज एज इट कम्स आउट, लगातार वो बढ़ता रहेगा जैसे जैसे उसको बाहर निकाला जाएगा, बाहर निकालने पर। डिक्रीजेज एज इट कम आउट, जैसे उसको बाहर निकाला जाएगा तो उसका वेट घट जाएगा। और इंक्रीजेज टिल इट अटेन्स द वेट इन एयर, और जब तक वो वायु में रहेगा तब तक उसका वेट बढ़ेगा। तो अब देखिए क्या है कि जब हम उसे बाहर की ओर निकालते हैं तो फ्लूड तो क्या करता है, उस पर लिक्विड क्या करता है, एक अपथ्रस्ट लगाता है। लेकिन बाहर की ओर जब हम निकालते हैं तो उस पर कोई भी अपथ्रस्ट काम नहीं करता है, जिस कारण उसका जो वेट होता है वो हमें कुछ बड़ा हुआ प्रतीत होता है, यानी कि इंक्रीज दिखता है। लेकिन जब तक वो हवा में आता है तब तक ही वो उसका वेट इंक्रीज होता है, जैसे ही हम उसको लिक्विड में डालेंगे तो फिर से उसका वेट कम हो जाएगा, ठीक है, मतलब कम हो जाएगा, मतलब हमें कम प्रतीत होगा, वी फेल्ट जो वेट है उसका वो हम कम फील करेंगे। तो देखिए क्या है, इसका ऑप्शन नंबर जो डी है जिसमें लिखा हुआ है इंक्रीजेज टिल इट अटेन्स द वेट इन एयर, तो जब तक उसे हवा में लाया जाएगा तब तक उसका वेट क्या होगा, इंक्रीज होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एम्प्टी क्लोज ड्रम एंड फिल ड्रम ऑफ सेम डायमेंशन विल ब्रिंग। तो एक हमने कोई भी बंद खाली ड्रम ले लिया और एक हमने कोई भी भरा हुआ ड्रम ले लिया, जिसकी डायमेंशन यहाँ पर बराबर दे रखी है, ठीक है, कहा गया है कि सेम डायरेक्शन के हैं दोनों। तो अगर सेम डायरेक्शन के हैं तो इनमें से कौन सा मान इसके लिए सही होगा, कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो देखिए पहला है सेम अपथ्रस्ट, जो उत्प्लावन बल है उस पर बराबर लगेगा। दूसरा है सेम वॉल्यूम, उसका जो आयतन है बराबर होगा, एक ही बराबर समान होगा। बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। तो देखिए क्या है कि यहाँ पर जो मान दे रखे हैं, ऑप्शंस दे रखे हैं, उसको अगर देखा जाए तो ड्रम जो है उसकी डायमेंशन तो सेम है। जब डायमेंशन सेम है तो उस पर लगने वाला जो अपथ्रस्ट होगा वो भी सेम होगा और उसका वॉल्यूम भी सेम होगा। तो वॉल्यूम डिपेंड नहीं करता कि वो खाली है या भरा हुआ है, वॉल्यूम केवल उसकी डायमेंशन पर निर्भर करता है। तो इसलिए उसका अपथ्रस्ट और वॉल्यूम दोनों ही सेम होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर जो इसका सी है, बोथ ए एंड बी, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी फॉर ऑब्जेक्ट ऑन
और नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज रिप्रेजेंटेड एज। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की के लिए नियर द सरफेस, किसी अर्थ के नियर द सरफेस किस फॉर्मूले के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। तो ऑप्शन है यहाँ पर जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर, बोथ ए एंड बी एंड नाइदर ए नॉर बी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस देखिए क्या हैं। अब इन ऑप्शंस में से जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो क्योंकि जो ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है वो होता है एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम एफ की वैल्यू लिखेंगे तो एफ की एक और वैल्यू होती है जो होती है एम इंटू जी। तो एम से उसका जो एम था ग्रेविटेशनल फोर्स का वो एम एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जी की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो इसी फॉर्मूले के थ्रू हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब थ्रस्ट वेरीज एज अ बॉडी कम आउट ऑफ द लिक्विड एज। तो अब थ्रस्ट जो होता है वो लगातार परिवर्तित होता है जैसे जैसे हम उसको जो जैसे जैसे लिक्विड में से बॉडी को बाहर निकाला जाता है। तो किस तरीके से चेंज होता है, तो यहाँ पर पहला नंबर दे रखा है इट डिपेंड्स ऑन द इमर्ज्ड वॉल्यूम एलोन। तो ये डिपेंड करता है इमर्ज्ड वॉल्यूम पर। और बी यहाँ पर बोल रखा है वॉल्यूम जो होता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम होता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ के बराबर होता है, तो बिल्कुल ठीक है। और ये जो अपथ्रस्ट होता है वो डिपेंड करता है इमर्ज्ड वॉल्यूम पर, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शंस में क्या क्या है, ओनली ए इज करेक्ट, ओनली बी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, नाइदर ए नॉर बी इज करेक्ट। तो यहाँ पर हमने कहा था कि दोनों ही यहाँ पर ए एंड बी करेक्ट हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अर्थ लाइक प्लानेट हैज अ रेडियस इक्वल टू द डबल ऑफ द अर्थ रेडियस। तो कोई भी एक पृथ्वी की तरह का कोई भी एक प्लैनेट है तो उसकी जो रेडियस है वो पृथ्वी की रेडियस की दोगुनी है। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या की दोगुनी है। द एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑन इट्स सरफेस विल बी। तो आपको ये बताना है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी कितना होगा इसकी सरफेस पर। तो ऑप्शन है यहाँ पर जी जी बाई टू, टू जी या फिर जी स्क्वायर। तो जो ग्रेविटी का मान निकालते हैं वो निकालते हैं जी एम अपॉन आर स्क्वायर से ही। तो आर अगर यहाँ पर दोगुनी की जा रही है, डबल की जा रही है, तो इसका मतलब है जो एक्सीलरेशन है वो भी क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर बिल्कुल सही है, टू जी। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स, तो जी का मान जो होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि एक्सीलरेशन जो होता है ग्रेविटी के कारण, उसका मान कितना होता है या फिर कैसा होता है। तो देखिए यहां पर ऑप्शंस दे रखे हैं, ग्रेटर एट द पोल देन इट्स इक्वेटर। तो जो उसके ध्रुव हैं, पृथ्वी के ध्रुव हैं, उस पर अधिक होता है अपेक्षाकृत अक्ष के। दूसरा यहां पर ऑप्शन दे रखा है ग्रेटर एट द इक्वेटर देन इट्स नॉर्थ पोल, जो उसका अक्ष है उस पर अधिक होता है उत्तरी ध्रुव की अपेक्षा। ग्रेटर एट द इक्वेटर देन एट द साउथ पोल, इक्वेटर यानी कि अक्ष पर अधिक होता है उसके साउथ पोल की अपेक्षा, दक्षिणी ध्रुव की अपेक्षा। या फिर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दे रखा है जीरो एट द इक्वेटर, या फिर अक्ष पर शून्य होता है। तो जो जी की वैल्यू होती है वो जीरो केवल और केवल उसके पृथ्वी के केंद्र में होती है और कहीं पर नहीं हो सकती। तो ये तो ऑप्शन यहां पर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी यहां पर नहीं होगा। नेक्स्ट यहां पर देखिए कि जो ग्रेटर देन पोल्स होते हैं, क्योंकि पृथ्वी जो है वो पूर्णतः गोल नहीं है, वो कुछ इस तरीके की शेप में है। तो यहां पर इसके जो पोल्स हैं, ध्रुव हैं, तो इन पोल्स पर जो इसका जी का मान है, ग्रेविटी जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसका मान जो होता है वो अधिक होता है बजाय इसके अक्ष के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका वो बिल्कुल सही है, ग्रेटर एट द पोल्स देन एट द इक्वेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर स्टूडेंट्स ए बी सी एंड डी फाइंड द एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी एट द टॉप ऑफ द ऊटी, नैनीताल, माउंट एवरेस्ट एंड शिमला। द एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी इज द लीस्ट। तो देखिए चार कोई भी विद्यार्थी हैं, उन चार विद्यार्थियों ने
चार जगहों पर जो ग्रेविटी है, जो एक्सीलरेशन है ड्यू टू द ग्रेविटी, उसका परीक्षण किया और उन्होंने पाया, तो इनमें से ऑप्शंस में से बताना है क्या पाया। तो उन्होंने परीक्षण कहाँ क्या किया था, ऊटी में, नैनीताल में, माउंट एवरेस्ट में और शिमला में। तो इस तरीके से अगर इन चार जगहों पर उन्होंने प्रयोग किया है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जो जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, ठीक है, तो हाइट के बढ़ने के साथ जो जी का मान होता है वो डिक्रीज होता है। तो हाइट के बढ़ने के साथ क्या होता है, जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो हाइट किसकी ज़्यादा होगी यहाँ पर, बिल्कुल किसकी ज़्यादा होगी, माउंट एवरेस्ट की ज़्यादा हाइट होगी। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, द ऊटी सिंस इट इज़ द हाइएस्ट, द माउंट एवरेस्ट एज इट इज़ द हाइएस्ट, द एट नैनीताल एज ओनली लेटिट्यूड हैज़ द इफेक्ट एंड नॉट हाइएस्ट हाइट ऑफ द पीक, एट शिमला एज इट इज़ द कोल्डेस्ट। तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोल्डेस्ट है या फिर हॉटेस्ट है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिपेंड करता है उसकी हाइट पर। तो हाइट किसकी ज़्यादा है, माउंट एवरेस्ट की, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। वैल्यू ऑफ जी इज टेकन एज, तो जो जी का मान है वो लिया जाता है किस तरीके से, देखिए नंबर एक है पॉजिटिव फॉर एक्सलेशन ड्यूरिंग फ्री फॉल, नेगेटिव वेन द ऑब्जेक्ट आर थ्रोन अपवर्ड, पॉजिटिव इन बोथ केस, डी यहां पर दे रखा है ओनली ए एंड बी। तो देखिए क्या होता है कि जब जी की वैल्यू होती है वो हाइट के हिसाब से चेंज हो जाती है। तो अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो फ्री फॉल हो रहा है, मतलब नीचे की ओर गिर रहा है, तो उस कंडीशन में जो जी की वैल्यू है वो पॉजिटिव ली जाएगी, और अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो कि ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसकी जो वैल्यू है जी की वैल्यू वो नेगेटिव ली जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लीजिए, पहला जो ऑप्शन है वो यही कहता है कि पॉजिटिव फॉर एक्सीलरेशन ड्यूरिंग फ्री फॉल, तो पॉजिटिव फॉर एक्सीलरेशन ड्यूरिंग फ्री फॉल, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पर कह रखा है कि नेगेटिव व्हेन द ऑब्जेक्ट आर थ्रोन अपवर्ड, तो नेगेटिव होगा जब वो क्या होगा, ऊपर की ओर फेंका जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड एंड राइजेज टू द हाइट ऑफ 10 मीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हमें वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम, ये तीन चीज़ें दे रखी है, चौथा यहाँ पर दे रखा है एक्सीलरेशन। तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हाइट हमें दे रखी है, एच की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा जो थर्ड इक्वेशन है मोशन की, वो होगी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, क्योंकि ये अपवर्ड है, कितना है, ऊपर की ओर जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर g जो होगा वो माइनस में होगा, तो यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो हम यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो v की जगह वैल्यू कितनी रखेंगे, v की जगह वैल्यू रखेंगे हम 0, तो v की जगह अगर हम 0 रख देते हैं तो u की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी अंडर रूट 2gh। जब यहाँ पर g की जगह 9.8 रखेंगे, h की जगह 10 रखेंगे, तो हमें u का जो मान मिलेगा वो मिल जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब अंडर रूट में हमें मिलेगा 196, तो 196 का जब हम रूट निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 14, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इनिशियल वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकेंड, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पर देखा है कि फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है, तो ये भी ठीक है, क्योंकि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो एक पॉइंट पर जाकर वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, यानी कि उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 0 होगी, तो ये वाला भी ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कह रखा है टाइम टेकन टू रीच द हाइएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू 1.43 सेकेंड, तो यहाँ से हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इसकी पहली इक्वेशन को हम यूज करेंगे, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ से यू प्लस जी, यहाँ पर माइनस जी टी आ जाएगा, क्योंकि हम ग्रेविटी के लिए निकाल रहे हैं, तो v इज इक्वल टू u माइनस जी टी। ठीक है, तो जी टी आ जाएगा, जी टी, तो यहाँ पर t की वैल्यू निकालनी है हमें, तो t की वैल्यू कैसे निकालेंगे, u इज इक्वल टू हो जाएगा जी टी। ठीक है, u इज इक्वल टू हो गया जी टी। अब u की वैल्यू तो हमने निकाल ली, u की वैल्यू कितनी थी 14 मीटर पर सेकेंड, और g का मान हम कितना रखेंगे 9.8, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 14 डिवाइडेड बाई 9.8, तो हमें t की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 1.43 सेकेंड। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर जो सी है वो भी सही है। अब बचता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट
9.8। तो यहाँ पर कहा गया है एक्सेलेरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट 9.8, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलेरेशन होगा वो 9.8 होगा। तो ऑब्जेक्ट का एक्सेलेरेशन हम 9.8 नहीं कह सकते, क्योंकि वो ऊपर की ओर जब गति करेगा तो उसका जो एक्सेलेरेशन देंगे वो हम किसी भी एक इक्वेशन के द्वारा देंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन के द्वारा कोई भी, तो वो 9.8 निकल के नहीं आएगा, कुछ और ही निकल के आएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो बिल्कुल सही है, कि क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, तो कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो कितना होता है। ऑप्शन यहां पर दे रखे हैं, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट द्रव्यमान के बराबर होता है, फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्ट टूवर्ड द अर्थ, जो फोर्स है जिसके कारण वो अट्रैक्ट होता है अर्थ की ओर, तो उस पर निर्भर करता है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलेरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। तो बिल्कुल देखिए क्या है कि किसी भी एक पृथ्वी पर अगर हम किसी भी पिंड के लिए वजन की बात करें तो उसका जो वेट होता है वो डिपेंड करता है कि वो कितनी तीव्रता से पृथ्वी की ओर आकर्षित हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। तो पृथ्वी की ओर जितनी तीव्रता से आकर्षित होगा उसका वेट उतना ही अधिक होगा। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर बी है वो तो ठीक है ही, और इसके बाद जो वेट होता है W, तो वो ये डिपेंड करता है कि मास कितना है और जी की वैल्यू कितनी है। तो मास इंटू एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है वो भी सही है। तो बोथ बी एंड सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेट ऑन ऑब्जेक्ट वीविंग 10 किलोग्राम ऑन अर्थ विल बिकम, तो किसी भी एक ऑब्जेक्ट का जो वजन है वो पृथ्वी पर 10 किलोग्राम का है, ठीक है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो 1/6 ऑन द मून, 1/6 होगा मून पर, तो देखिए क्या होता है, क्योंकि जी की जो वैल्यू होती है वो 1/6 होती है मून पर अर्थ की अपेक्षा, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला हुआ WM इज इक्वल टू GMM अपॉन RM स्क्वायर, तो इसके द्वारा हम इसको निकाल सकते हैं, तो ये फॉर्मूला भी यहाँ पर ठीक होगा। C की जो वैल्यू है वो है 98 न्यूटन ऑन द मून, तो ये भी यहाँ पर मान ठीक होगा, क्योंकि 9.8 मल्टीप्लाई बाई 10 तो यह जाएगा 9.8 न्यूटन, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि तीनों ही ऑप्शन सही हैं, इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड, तो कोई भी एक फोर्स है जो कि एक ऑब्जेक्ट पर लग रहा है तो वो परपेंडिकुलर है सरफेस के, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो बॉयंसी कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो फोर्स होता है जो परपेंडिकुलर लग रहा है उसको हम क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर इज यहाँ पर थ्रस्ट पर यूनिट एरिया मीजर्ड इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मीजर्ड इन पास्कल या फिर ऑल ऑफ दीज, इन ये सभी। तो बॉयंसी जो यहाँ पर देखिए प्रेशर है, प्रेशर इनमें से क्या है, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, क्योंकि एफ पी इज इक्वल होता है एफ अपॉन ए, पी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, तो हम कह सकते हैं थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, ठीक हो गया ये। अब मेजर्ड इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसका जो मान होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ये भी ठीक है। अब मेजर्ड इन पास्कल, तो पास्कल में हम इसको मापते हैं, तो ये भी ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा ऑल ऑफ दीज, ये बिल्कुल सही इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉयंट फोर्स इज, तो बॉयंट फोर्स क्या होता है जिसको हम बोलते हैं उत्प्लावन बल, तो इसको क्या क्या होता है, द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाई ए लिक्विड ऑन एन ऑब्जेक्ट, ये फोर्स जो होता है अपवर्ड लगता है किसी भी लिक्विड के द्वारा ऑब्जेक्ट पर, नोन एज अपथ्रस्ट, तो इसको अपथ्रस्ट के नाम से जानते हैं, फोर्स एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन द लिक्विड, तो जो फोर्स है वो एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के द्वारा लगता है लिक्विड पर, तो ये जो होता है बॉयंट फोर्स, ये लगता है एक तो ऊपर की ओर लिक्विड के द्वारा ऑब्जेक्ट पर, और इसको हम अपथ्रस्ट के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही सही हैं, दैट मींस ओनली ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग,
कीप स्माइलिंग। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारा जो चैनल है शर्मा जी एजुकेशन, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री एंड जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जीके या फिर करंट अफेयर्स वगैरह, तो ये आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं। तो थैंक यू, कीप स्माइलिंग।